तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो गुडलक ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है थिंक पार ऐप। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं। क्या नया चेंजेस हुआ है और ये ऐप क्या काम करती है, अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको उसके नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद वहां पर आपको मिल जाएगा माय अपडेट में थीम पार्क का नया अपडेट। आप देख रहे हैं नया अपडेट आया हुआ है। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, ये अपडेट को 2 अगस्त को मतलब कल के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जो कि 14 MB का है। इसका वर्जन है 1.0.09.32 इसका वर्जन है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसमें क्या नए चेंजेस किए गए हैं। जब तक मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, अपन ऊपर रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला चेंजेस किया गया है सपोर्ट टू चेंज ऑल ऐप आइकन। अगर आप जितने भी ऐप आइकन को चेंज करेंगे सब पे ये काम करने वाला है। मतलब कि जो आइकन चेंज वाला ऑप्शन था वो किसी किसी ऐप में चलता था, बट अब सब में आप यहाँ पर आइकन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिक्स कलर पिकर टू एक्सैक्ट कलर फ्रॉम इमेज, आप इमेज से भी कलर को पिक कर सकते हैं। और दैट ऑक्योर व्हेन द मेनी इंस्टॉल ऐप ड्यूरिंग पैक, जो भी अगर आपने आइकन का पैक इंस्टॉल करा होगा उसको भी आपका यहाँ पर फिक्स कर दिया गया कुछ इशू होंगे। तो फाइनली अपडेट हो गया। तो अपडेट होने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। सबसे पहला यहाँ पर फीचर दिया गया है सपोर्ट टू चेंज ऑल ऐप आइकन, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर चाहे तो थीम जो पहले से बनी हो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप नई क्रिएट करना चाहें तो नई क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइक मेरी यहाँ पर प्रीवियस ही बनी है तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ उसके अंदर। यहाँ आने के बाद अब मुझे क्या करना है, ऐप आइकन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर गया। यहाँ पर आने के बाद आपको करना है यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक और जाना है चेंज आइकन पे। चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे तो सारी एप्स आपकी खुल जाएंगी। जिन ऐप का आपको यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ पर सारी ऐप्स को कर दिया गया है। आपको जिन ऐप को भी करना है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है, जो भी आपके इंस्टॉल्ड है तो आप वो ले सकते हैं या फिर अपनी गैलरी से भी लगा सकते हैं। तो मैं गैलरी से चला गया हूँ। गैलरी में जाने के बाद जो भी मेरे को यहाँ पर लगाना है, तो गैलरी में आने के बाद लाइक मैंने अपनी जो भी मुझे चीज़ लगाना है मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे वो चेंज हो चुका है। और भी अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहेंगे किसी को भी तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। लाइक मुझे अब यहाँ पर इसका चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, गैलरी में क्लिक करा, एल्बम पे गया। एल्बम पे आने के बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ भी लेना है, जो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जितने भी ऐप्स हैं यहाँ पर आप सभी ऐप्स का ऐप आइकन चेंज कर सकते हैं। अब इसको सपोर्ट कर दिया गया है, पहले इसमें प्रॉब्लम थी, अब उसको यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया, मतलब आप सभी ऐप्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आइकन। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल, ये चीज हो गई। दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कलर पिकर का, अब यहाँ पर आप अपनी इमेज से भी कलर को पिक कर सकते हैं। कैसे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको एक ऐसा आइकन दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जोन सा भी कलर को यहाँ पर पिक करना है, आपको उसको वहां पर ले जाना है। आप देख रहे होंगे जैसे मुझे ये कलर पिक करना है, मैं इसको यहाँ पर ले गया हूँ और यहाँ से मैं ओके करूंगा तो उसके मिलता जुलता वो कलर वहां पर ले लेगा। अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप वापस भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए। अब मुझे ये ब्लैक चाहिए तो मैंने ऐसा कर दिया। तो आप यहाँ पर जैसा कलर चाहें वैसा यहाँ पर आप उसको इमेज से ले सकते हैं। मतलब कि ये कलर का जो उसका एक्चुअल है कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं इमेज से। सेकंड फीचर ये था दोस्तों। उसके बाद जो थर्ड जो दिया गया है, अगर आप वहाँ पर ऐप ड्यूरिंग आइकन अगर आप इंस्टॉल करके रखा है, आपने ऐप आइकन इंस्टॉल करके रखें तो उसमें जो भी प्रॉब्लम थी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आएंगे, चेंज पिक पे जाएंगे तो यहाँ पर शायद कुछ प्रॉब्लम होगी किसी पैक में, मुझे तो नहीं लगी, बट जो भी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम थी उसको भी यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों मेन चीज यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहला चेंजेस किया गया है कि आप पूरे ऐप आइकन के पूरा शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं ऐप आइकन को चेंज कर सकते हैं, सबसे पहला फीचर ये था। सेकंड फीचर यहाँ पर दे दिया गया, आप यहाँ पर थीम का कलर जो भी है पिक कर सकते हैं अपने इमेज से। और वहां पर थर्ड फीचर, जो भी आप पैक डाउनलोड करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या दिया गया है। तीसरा फीचर में यह है फिक्स दैट ऑक्योर व्हेन देयर मेनी इंस्टॉल ऐप ड्यूरिंग आइकन पैक, जो भी ऐप यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर रखी होंगी अगर उसमें आइकन पैक नहीं चलता था तो उसको भी यहाँ पर
नोटिफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।